हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस पी सी एस पॉसिबली। आई एम प्रेम कुमार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एस पी डी का आपको एम सी क्यू डिस्कस करेंगे। ये आपको अगस्त मंथ का होगा, ये 1 सितंबर तक है ना, तो अगस्त मंथ का 100 एम सी क्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ये देख सकते हैं लेटेस्ट वाला है, और वन लाइनर अगर आप सुनना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रेमा वर्ल्ड सिविल चैनल पर आप लोग जाकर ये सुन सकते हैं वन लाइनर अगर चाहते हैं, 1 अगस्त मंथ का केवल चाहते हैं। तो अगर मास्टर वीडियो चाहते हैं पूरा आपको एमसीक्यू, तो वो भी आपको मिल जाएगा प्रेम वर्ल्ड सिविल, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर देखिएगा। जैसे कि इडुटेरिया का मान लीजिए बिहार स्पेशल हो गया, या इडुटेरिया का नेशनल लेवल का हो गया, वो सब हम लोग डिस्कस की कर दिए हैं। आप अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर डिस्कस किए हैं तो स्प्रिंटो सिविलियन यूट्यूब चैनल पे, ये कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी चैनल पर हम लोग इंटरव्यू और मेंस के लिए जैसे कि G20 मुद्दा हो गया, आदित्य अलवन चंद्रयान भी सब डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कि हम लोग का एमसीक्यू 100 अगस्त मंथ का जो दिया रहता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आप लोग का क्या क्वेश्चन है, पीएम उषा कैंपेन, ये कैंपेन चलाया गया तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे मेन चीज़ है ना, ये प्रधानमंत्री, ये आपको उच्चतर शिक्षा अभियान, तो शिक्षा से रिलेटेड है। तो ये नाम में अगर पूर्व पता हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप कर सकते हैं, नहीं तो रटना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इंटर रिलेट कराएंगे आपको पुराने करंट से नए करंट को, और स्टेटिक से भी, तो देखते रहिएगा। और एडुटेरिया वाला में अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा पॉइंट तो यहाँ बताने का प्रयास करेंगे, या इसका ऑनलाइनर सुनिएगा आप लोग तो बताइएगा। देखिए, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने सैनिटेशन वर्कर को आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ दिया। सैनिटेशन मतलब जो सफाई करते हैं नाले वगैरह में जाकर घुसकर, तो ये कौन सा राज्य है ये कर दिया सैनिटेशन वर्कर को आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, तो कौन किया है दोस्तों, ये आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश है या कोई और है? और देखिए, एक जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हिम पोर्टल और हिम क्राफ्ट नाम सुने होंगे, ये हिमाचल प्रदेश ही है। तो ये आप लोग आई थिंक मणिपुर वायलेंस तो आप लोग सुन ही लिए होंगे, उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था तो पता ही होगा। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का वेयर हैज इंडिया गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, जिसको कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो कहाँ पे है दोस्तों, ये श्रीनगर में है। अभी आप लोग बताइएगा जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, मतलब कि LOC के पास में एक नया पोस्ट ऑफिस खुला है, तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और देखिए एक आपको 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है ये बताइए, तो ये बेंगलुरु में है। और आपको रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पे, हैदराबाद में है। RO ATM कहाँ पे ये बताइए आप लोग, ये आप लोग होमवर्क है, चैलेंज है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला बन गया इंडिया, और चौथा ये मतलब कि चांद पे जाने वाला हो गया, पहले उसके USA, रसिया और चाइना जा चुके हैं। और अभी Luna 25 इसका गया था लेकिन फेल कर गया, क्यों कर गया ये सब हम लोग इसे इंटरव्यू में इस वाले टॉपिक पर आए हैं, देखना होगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और बताइए चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्चर से गया था, LBM 3 था क्या, और जिस दिन गया था 23 अगस्त, उसको स्पेस डे हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, और आप ये बताइए G20 का भी जो मुद्दा हुआ उसमें कौन नया ये यूनियन जुड़ा है, अफ्रीकन यूनियन है क्या, तो भी बता सकते हैं आप लोग। देखिए जो चंद्रयान 3 गया था ना, इसमें LBM 3 हो गया, और वो जिस पॉइंट पर गया उसको हम लोग कौन सा नाम दिए हैं, शिवशक्ति पॉइंट। और जो चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पर फेल किया तो उसको हम लोग तिरंगा पॉइंट दिए हैं। किस तरह से विक्रम लैंडर है और आपका रोवर प्रज्ञान है। हु हैज बीन सिलेक्टेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो नेशनल आइकन के रूप में किसको चुना गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, कोई बिहार के हो तो बताइएगा कि वहाँ के स्टेट आपको इलेक्शन आइकन कौन चुने गए हैं, मोनिका दास ट्रांसजेंडर है, और खादी की वहाँ की है आपको मैथिली ठाकुर, ये इसलिए बता रहे हैं कि BPSC के एग्जाम, इसलिए। और RAS वाले भी ये सब देख सकते हैं, या SSC JEE वगैरह वाले भी। किसको अपॉइंट किया गया, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT 2010 में बना था, हरित ये प्राधिकरण जिसको बोला जाता है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। आप लोग यहाँ पे बताइए CBI के कौन है, और CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कौन है, प्रवीण सूद किसके हैं और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव किसके हैं। देखिए इसरो यहाँ पे है, एक रोवर भेजा है चंद्रयान 3 मिशन पे, मैंने ऊपर ही बता दिया था, लैंडर विक्रम था, रोवर कौन था, प्रज्ञान था, ज्ञान लेगा रोवर जाकर, तो ये चीज़ है। देखिए अब एक लुपेक्स मिशन है चंद्रयान 4, ये हम लोग क्या किस देश के साथ कर रहे हैं ये बताइए, जापान है क्या, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर दिए वहाँ पे। आदित्य अलोन बताइए किस आपको एथी से गया था, ये क्या होता है लॉन्चर से, PSLV CP7 था क्या, ये बताइएगा। देखिए इंडिया का कोस्ट गार्ड जो है एक MOU साइन किया है किसके साथ, मेरीटाइम कोऑपरेशन को और अच्छा बनाया जाए तो फिलीपीन के साथ। आप लोग बताइए नाटो का 31st सदस्य अभी कौन बना है, ये फिनलैंड है कि कौन है, बताइएगा। और अभी बताइए आप लोग सबसे पहला ये वर्ल्ड में हाइड्रोजन चलने वाला ट्रेन कौन बना है, और चाइना जो है दूसरा बन गया, एशिया में पहला है,
फ्रांस के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, वरना होता है क्या, तो ये सारा चीज़ आपको होना चाहिए। बाली इंडोनेशिया में है, जहाँ पे पिछले बार आपको G20 का हुआ था, और अगला वाला G20 कहाँ पे हो रहा है, 2024 में जो है, ये बताइए आप लोग। ट्रॉयका वगैरह ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये सा इतना सारा एक्स्ट्रा हम लोग इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, आप लोग अच्छे लग रहे, वीडियो लाइक करेगा। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल है, तो श्रेष्ठ थाविसिन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और रशिया यूक्रेन वार तो आप लोग जान ही रहे हैं। वीमेन लीग का खेलो इंडिया कहाँ पे हुआ है, वीमेन वाला, सॉरी इसका नाम क्या रीनेम कर दिया गया, अस्मिता महिला लीग। आप लोग बताइए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ पे हुआ, खेलो इंडिया का गेम्स जो MP में हुआ है, और यूनिवर्सिटी वाला जो गेम है वो आपको UP में हुआ है। आप लोग जैसे कि रणजी ट्रॉफी, आपको हजारे ट्रॉफी, आपको ये सब है, जैसे ईरानी कप, ये सब आगे मिलेगा भी, वो सब आप लोग याद करने का प्रयास करेगा। ब्रिक्स का 15वां समिट हुआ है, ठीक है, ये अमेरिका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, और चेयरमैनशिप साउथ अफ्रीका था, सॉरी साउथ अफ्रीका। और देखिए ये जो मीटिंग हुआ ना, इसमें नए 6 नया देश को जोड़ने का बात किया गया। कौन 6 नया देश है, यूज टू AI ट्रिक लगाइएगा तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। बहुत मेहनत से देखिए ट्रिक बना, वीडियो जरूर लाइक करिए आप लोग, और अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यू से UAE, ए से सऊदी अरब, ई से इथोपिया, यू ई से आपको इजिप्ट भी है, मतलब मिस, और ई से अर्जेंटीना, आई से ईरान, तो इस तरह से ये ट्रिक है, तो ये होना चाहिए। और ब्रिक जो मैं साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, और अब 6 और 5 11 देश हो जाएंगे। और नेक्स्ट वाला ब्रिक्स कहाँ पे हो रहा है, अभी वाला जो SCO है कहाँ पे हुआ था, और नेक्स्ट वाला क्वाड क्या इंडिया करेगा, कम ये इसका चेयरमैनशिप बताइए आप लोग। और देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर लर्न अर्न स्कीम, मतलब सीखो और कमाई योजना, ये हिंदी में ये लगता है, कौन सा ये राज्य ने चलाया है, तो ये MP ने चलाया है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर का संख्या है। अभी टाइगर का सेंसस में कितना हो गया है, 3167 हो गया, पहले 2967 था, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ 1 भी है एरिया वाइज। UP में यूनिवर्सिटी गेम, बिहार में अभी क्या न्यूज़ में रहा था, तो सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है आपको ये कहाँ पे, ये पश्चिम चंपारण, सॉरी पूर्वी चंपारण में, जहाँ से चंपारण की शुरुआत हुई थी। हिमाचल प्रदेश हिम डाटा पोर्टल, और ये आपको हिम क्राफ्ट। देखिए हु हैज़ बिकम सेकेंड इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ चेस वर्ल्ड कप, चेस वर्ल्ड कप में पहुँचने वाले सेकेंड कौन बने हैं फाइनल में, तो ये आपके बने आर प्रज्ञानंद, इनका नाम याद रखिएगा। डी गुकेश भी हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा। आप लोग बताइए 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, क्या कोई आपको आदित्य सामंत करके हैं क्या, आपको कमेंट दिए। देखिए विश्व एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर का मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये तो डायरेक्ट ही है, याद ही करना पड़ेगा, वहीं बाली इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया वाला। अंडर 17 के कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले, ये अगर देखा जाए तो एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन बने हैं, तो अनहा सिंह बने, आहत करके स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली है एशिया वाला में। उद्योग रत्न अवार्ड अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट देना चाहिए किसको देगी, तो सबसे ज़्यादा टाटा जी को, रतन टाटा जी, बहुत ही अब वृद्ध हो चुके हैं, देखिए सीनियर सिटीजन। हुज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री IVF, देखिए फ्री में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिया जाएगा ट्रीटमेंट, तो ये कौन दे रहा है, तो ये गोवा दे रहा है दोस्तों, और यहीं पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस बार बहुत न्यूज में रहा है ये। अभी पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है 18 सितंबर से 22 सितंबर, तो उसमें क्या लाया जाएगा, क्या भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत किया जाएगा, या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ बात होगा, या कौन स्टेट कौन इलेक्शन आएगा, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। अब रामनाथ कोविंद जो है उनके अध्यक्षता में एक आपको कमेटी बनाया गया, ये आप लोग बताइएगा, ये बहुत ही करंट लेटेस्ट है, किसके लिए बनाया गया है। अब देखिए शत्रुजीत सिंह कपूर, और आर्टिकल कितना में है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आरक्षण का बताइए। शत्रुजीत सिंह कपूर जो है एक न्यू डायरेक्टर डीजी जनरल बने हैं पुलिस, DGP किस राज्य के, DGP बने हैं हरियाणा के, ठीक है। हरियाणा का नाम सुनते हैं क्या रहा है, सेक्स रेशो सबसे कम है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में एक बिल पास किया गया है क्या कोई, जिस मतलब कि आप लोग ये भी बता सकते हैं अगर पता हो तो। पंजाब में राइट टू वॉक, और राजस्थान में राइट टू हेल्थ, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी गेम, और यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व बन रहा है, और तराई एलिफेंट कॉरिडोर भी बना है। देखिए कौन सा देश है जो कि फीफा वर्ल्ड वीमेन का वर्ल्ड कप 2023 वाला टाइटल जीत लिया है, तो कौन है दोस्तों, तो ये स्पेन है, वीमेन वाला स्पेन फीफा का। और आप लोग बताइए ये फीफा के रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप में कौन है। देखिए कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एक नया वेराइटी लोटस फ्लावर, कमल के फूल को NOMO 108 नाम दिया गया है, नाम याद रखिएगा, भाजपा का कमल NOMO 108, NOMO मोदी, इस तरह से कुछ बना लीजिएगा। तो कौन है ये आपको, NBRI लखनऊ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा बनाया गया है, NOMO 108 लोटस का एक फूल है। इंडियन ओरिजिन के कौन नेता है जो क्वालिफाइड किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ सिंगापुर, तो वहाँ पे करने वाले एक बन गए हैं थर्मन सामगुन सन मनगुन, देखिए सान मुगरतनम, ये नाम भी थोड़ा अजीब ही है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, सॉरी। देखिए क्या रैंक है इंडिया का, 16वां इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स का किया गया था, इसमें हम लोग का दूसरा रैंक है, ठीक है। अब बताइए कि पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, और टॉप में क्या आइसलैंड है कि कौन है बताइएगा, और
आप बता सकते हैं एसडीआई में कितना है इंडिया का, है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सब चेक कर लीजिएगा आप। ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है इंडिया ने, 77 वां किया है। इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या था आप लोग बताइए, और G20 का क्या था, वसुधैव कुटुंबकम था क्या, योगा 21 जनवरी जून को मनाते हैं उसका क्या था, योगा पर वसुधैव कुटुंबकम था। तो ये सारा चीज वन फैमिली वन आर्ट वन फ्यूचर, ये आपका G20 का था। कौन सा स्टेट और ब्रिक्स का बताइए आप लोग क्या है ये थीम, ये सब पूछा जाता है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज इडेक्स, जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के द्वारा किया गया, ठीक है। उड़ीसा के गंधमर्दन हिल, और आपको एक और हिल है उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए छत्तीसगढ़ में एक लेमरू टाइगर रिजर्व पहले ही बन गया था। कौन सा हॉकी टीम है जिसने की मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीत लिया है, मेंस वाला तो ये इंडिया ने जीता है, डी आंसर। अब देखिए कौन सा एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि अनक्लेम्ड डिपॉजिट है बैंक में, मान लीजिए वो डिपॉजिट है किसका नहीं है पता नहीं चल पा रहा है, उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, 1934 के अनुसार एसबीआई का आप लोग बता दीजिए, या 1956 में हुआ गया। देखिए कौन सा रनर है जो कि बैन करके दिया गया 4 साल के लिए, अभी लेटेस्ट का न्यूज है तो 4 साल के लिए बैन किया गया है दुती चंद को, ठीक है। और इसके पहले मीराबाई चानू को बैन किया गया था, कमेंट बताइएगा। फर्स्ट बैंक कौन है इंडिया का जो कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया, देखिए ये ऐसा डेबिट कार्ड है ना प्लास्टिक वगैरह नहीं होगा ताकि डिकम्पोज आसानी से हो सके, तो कौन है तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के तर्ज पर अगर देखा जाए, सॉरी इसका कौन सा ये मनाया गया, तो आपको 81 मनाया गया, कैसे तो आप 1942 और 2023 को आप घटा सकते हैं, 2023 देखिए 3 से 2 गया एक, और 12 से 8 गया, 4 गया 8, 21 गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है, 1942 में चला था ये पता होना चाहिए। अब देखिए तो ये किस मतलब कमीशन को, क्रिप्स कमीशन था क्या, उसके फेलियर को लेकर चला गया था किसके लिए, और बताइएगा रीजन मेंस के लिए टॉपिक्स है। मनोज तिवारी इंडियन प्लेयर है जो कि रिटायरमेंट किस गेम से अपना लेने का बात कर दिए हैं, तो क्रिकेट के हैं। इंडिया का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस मैंने ऊपर ही बता दिया था, बंगलुरु में रियल टाइम गोल्ड एटीएम, हैदराबाद में, और इंडिया का फर्स्ट जो अगर हाउस देखा जाए मतलब 3D प्रिंटेड हाउस वो अहमदाबाद में है, आगे सबसे मिलेगा लास्ट में ये स्पीड में। हू हैज बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, मोहित कुमार है, मोहित मनमोलिया है। हाउ मेनी इंडियन यूथ जिनको भी नॉमिनेट किया गया है इंडियन यूथ को इको हीरो अवार्ड यंग इंटरनेशनल के लिए, तो कितने को, तो 5 को, 5 तत्व से याद रखिएगा। इंटरनेशनल सेंटर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस इनक्वाइस जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये कौन सा ऐप लॉन्च किया है सी फेयर के लिए, तो ये समुद्रा ऐप है, ये जैसे कि वहाँ पर मछली पकड़ना वगैरह जाएंगे तो उनको ये गाइड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए। यहाँ पर देखिए इंडिया ने एक MOU साइन कर दिया है, ठीक है, किस कंट्री के साथ, ताकि इंडिया के स्टैक को शेयर किया जा सके, तो ये किया गया थाईलैंड और टोबैको, सॉरी त्रिनाद और टोबैको, TT ITT से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक केन्या का नाम सुन के आपको क्या कुछ TAIFA-1 याद आ रहा है क्या, कुछ इस तरह का कोई सेटेलाइट वगैरह लॉन्च किया था क्या, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया ही था। देखिए यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करने के लिए, कितना करोड़ रुपया अभी दिया जाएगा, तो ये तो 14,900 याद करिएगा। यूथ 20 समिट ऑर्गेनाइज G20 का कहाँ पे किया गया, वाराणसी में किया गया, और L20 वाला पटना में किया गया था। देखिए ग्रेफिन ऑरोरा प्रोग्राम चलाया गया है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अभी वर्ल्ड में कौन है तो बताइएगा, ग्रेफिन है कि हीरा है, और ये कोलेबोरेशन किस मिनिस्ट्री के साथ करके किया, तो IT मिनिस्ट्री जो है उसके साथ किया गया है। आप लोग बताइए कि देखिए ये ग्रेफाइट होता है, ये सब कार्बन का एलोटॉप ही है, तो ये सब थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, कौन सा इलेक्ट्रिक को मतलब कि प्रोड्यूस यदि करता है, ये कंडक्ट करता है। ये हेल्प प्रोग्राम किस राज्य में चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग बता दीजिए, ये गुजरात राज्य में ये हेल्प प्रोग्राम चलाया गया है। देखिए यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपको कमेंट बताइएगा, हम लोग उसको क्लीनअप कर लेंगे, अपने तरफ से तो पूरा जो आंसर की दिया गया या जो भी खोज कर हम लोग गूगल वगैरह से ये सही करने का प्रयास करेंगे, तो उस प्रयास चले पर तो लाइक करिएगा। साइंटिस्ट किस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं जो कि एक नया स्टार खोज दिए हैं, तो नया स्टार खोजे हैं इंडियन स्टोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, देखिए इसको आप लिमिनेट से बना सकते हैं, सीडेक वाला सेंटर डेवलप, ये एडवांस कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग वाला क्यों करेंगे, ये एस्ट्रोलॉजी से आप थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन ये रिसर्च वाला काम करेंगे, ये खोजने वाला काम इंस्टीट्यूट वाला काम करेंगे। अब देखिए G20 का फिल्म फेस्टिवल तो फिल्म सिटी में नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में हुआ। देखिए कोलकाता का नाम ध्यान देते हैं आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे अंडर वाटर सी मेट्रो चलाया गया क्या, जयपुर को कॉन्स्टिट्यूशन आपको वहाँ पे पार्क खोला गया क्या, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मतलब लिटरेट कौन सा आपको बना है जिला, तो यह क्या केरला में है क्या, कमेंट रहेगा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया, नेहरू जी का नाम हटा दिया गया, देख सकते हैं भाजपा वगैरह का ये सब चीज़ है। हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड प्रोवाइड अप्रूव किया गया प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट के द्वारा 77वां इंडिपेंडेंस डे पे, तो कितना किया गया दोस्तों, तो ये किया गया 76, ये आर्टिकल ये याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और क्या का कितना आर्टिकल है बताइए, 148 है क्या,
देखिए क्या नाम है इंडियन मिशन को जो इसरो के द्वारा सूर्य पे भेजा जा रहा है, दियो L1। देखिए आदित्य वन नहीं है, L1 क्यों नाम दिया गया, लग्रांजे पॉइंट, तो ये सन है, यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, तो यहाँ पे जो ये दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे इसका ग्रेविटेशन और इसका ग्रेविटेशन दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको L1 बोला जाता है। इधर चंद्रमा के बीच में और अर्थ के बीच में एक रहता है, इसको L2 बोला जाता है। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, पाँच लग्रांजे पॉइंट है। तो ये सब आप लोग मेंस वाला या इंटरव्यू वाला जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में भी यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बिहार स्पेशल का जो ये यूटेरिया वाला है उसको भी हम लोग करा दिए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कमेंट में लिंक भी मिल जाएगा। कौन सा देश है जो कि टाइटल एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया है, तो ये इंडिया ही जीता है, एशिया वाला हॉकी चैंपियनशिप। और देखिए यहाँ पे जो एक दो चीज़ था मैं उसको थोड़ा सा बता दूँ, जो जैसे चंद्रयान थे आदित्य L1 PSLV C-57 से गया था, ठीक है, और कौन किसी देश का और है क्या जो पहले भी गया हुआ है, तो नासा का पार्कर 16 मिशन, और निसार क्या है आपको बताइएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ों को रिलेट करते चलिए आप लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता दिया, ठीक है, तो इस तरह से आपको जो ज़्यादा चीज़ है ना वो हो जाएगा, जैसे कि गगनयान मिशन कहाँ जा रहा है, आपको सुक्रियान कहाँ पे जा रहा है, वेनस पे जा रहा है, क्या आपको बताइएगा। कौन सा प्लेयर है जिसने रिकॉर्ड बनाया है हिटिंग मस्ट सिक्स, सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाले जड़ने वाले 20 और उससे कम के एज में T20 इंटरनेशनल में, तो ये कौन बने हैं, तो ये तिलक वर्मा, देखिए ये तिलक लगाकर काम कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सुमन गिल सबसे कम ये भी एज के हैं, लेकिन ये क्या बना है, आगे रिकॉर्ड मिलेगा भी इसमें, और जानते हो तो कमेंट करिएगा। कौन से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, तो काका जी बने हैं, देखिए यहाँ पे काकर अनवारुल हक काकर, पाकिस्तान के, पाकिस्तान में अभी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि आ गया मान लीजिए हॉकी वगैरह, तो उसका कौन मतलब कि इंडिया का क्या स्थान है, ये सब भी देख लीजिएगा आप लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया ताकि बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, तो ये किया गया है उल्लास, देखिए उल्लास किया गया, पढ़ाई लिखाई नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया गया, तिलक वर्मा 20 से या उससे कम में छक्का जड़ने वाले बने हैं, और यहाँ तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया जा रहा है, तो मोदी जी को दिया जाएगा। और ये फिजिक का भी अवार्ड मिला था, बहुत सारा अवार्ड मिलता रहता है। कौन से इंडिया ओरिजिन के एक वीमेन है जिसको कि डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आपके अमेरिकन फाइनेंस एजेंसी का बनाया गया है, AFA का, किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया निशा बिस्वाल को, बिस्वा विश्वास याद रखेगा, निशा जी हैं। और किस राज्य का असेंबली है जो कि एक रेजोल्यूशन पास किया ताकि उस अपना नाम चेंज कर दे, देखिए केरल जो है ना अपना नाम केरलम करना चाहता है, ये आपको मलयालम और वहाँ का चीर राज था जो चीरम वगैरह वो इससे रिलेटेड करता है, और हिमाचल प्रदेश हिमक्राफ्ट हिम पोर्टल बता ही दिया। और आसाम में आपको एक अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्डिंग का, जैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया ना, आप लोग बताइएगा उसके कौन थे ये आर्किटेक्ट डिजाइन करने वाला, क्या बिमल पटेल थे क्या, और उसमें कितना सीट है, लोकसभा का क्या 888 है और राज्यसभा का क्या 384 और टोटल क्या 1272 है क्या, ये कमेंट में आप लोग कन्फर्म करेंगे। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना पेमेंट जो है आपको लिमिट को बढ़ा दिया UPI लाइट से, देखिए UPI लाइट जो है ना, देखिए ये डायरेक्ट इसमें आंसर दे दीजिए 500 इतना बता देंगे तो क्या होगा, इसे कुछ नहीं होगा, ये तो रटने वाला चीज़ हो गया ना, तो ये खुद भी कर सकते हैं। UPI लाइट क्या है ना, जहाँ पे टावर नहीं है, जहाँ पे मान लीजिए इस नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे ये कम मतलब कि टावर में भी काम कर लेता है। तो इसमें क्या था कि पहले मतलब कि पेमेंट यहाँ देखिए ये मतलब कि 200 तक मतलब कि पेमेंट हो पाता था, 500 तक कर पाइएगा, तो ये चीज़ है UPI लाइट। टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड 13वां एनुअल एंटरप्रेनर अवार्ड में किसको दिया गया है, तो गोइक हैप्टिक, हैप्टिक जी हैं, हैप्टिक नहीं हैप्टिक, इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो कि LOC के पास में है। जब 3D प्रिंटेड वाला बता रहा था तो मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट काम फाइनल। रजौरी चिक्की वुड क्राफ्ट, देखिए ये आपको लकड़ी पे किया जाने वाला क्राफ्ट है नक्काशी, तो इसमें किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को GI टैग प्रोवाइड किया गया, तो जम्मू कश्मीर का है इसका, रजौड़ी है। एक और है निस विद्युत करके एक नाम है, उसको थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, ये बताइएगा आप लोग, जो वन लाइनर हम लोग कराए थे ना प्रेमा वर्ल्ड स्कूल चैनल पे उसमें था, ये कमेंट में लिख मिल जाए। देखिए इंडिया का रैंक क्या है, इसी तरह से याद करने का प्रयास करिएगा ना थोड़ा थोड़ा, तो ऑप्शन देख के भी एग्जाम में क्लिक कर जाता है, ये सुने होंगे कई बार, तो इसलिए मैं इस सारा चीज़ को रिलेट करता हूँ। इंडिया का रैंक क्या है, इंटरनेट रिजिलियंस इंडेक्स अगर देखा जाए तो उसमें इंडिया का रैंक 6ठा है, इंटरनेट में 6 6G आ रहा है ना, इस तरह से याद रखिएगा। 5G तो चला गया, अब 5G मतलब 6G पे काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे है 57 नेशन वाइड कैंपेन चलाया गया है, देखिए यहाँ पे ब्रेव जो सोल्जर है जो शहीद हो चुके हैं उनको कंटी के लिए, तो मेरी माटी मेरा देश रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ के यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए यहाँ पे अगस्त में ये कहाँ पे एक बिल लाया गया है, तो केरला में लाया गया है, और सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फिजिबल है कि नहीं ये उत्तराखंड चेक कर रही थी अपने राज्य में, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत न्यूज़ में है, आर्टिकल 44 DPSP आपको गोवा में केवल है, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए।
मेंस करिए, हम लोगों ने कौन से रिपोर्ट कराए थे, अगर देखना होगा तो वो भी देख सकते हैं कि क्यों लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्या इससे फ़ायदा होगा क्या घाटा होगा, प्रूफ कौन सा डिस्कस किए थे। और इंटरव्यू में भी 67 बीपी से अगर देना हो या कोई और इंटरव्यू तो उसमें भी काम आ जाएगा, मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी काम आ जाएगा। देखिए प्री के बाद मेंस तो पढ़ना ही है ना, 69 के लिए तो ये सब पूछा जाता है। कौन सा सेकेंड यंगेस्ट इंडियन बने हैं हाफ सेंचुरी T20 में मारने वाले, तो ये तिलक वर्मा ऊपर जो मस्ट सिक्सेस वाले थे हाफ मारने वाले में भी यही है, और सुमन गिल का आगे मिलेगा ये टाइट। देखिए शॉर्ट फिल्म एक बनाया गया उसका क्या टाइटल रखा गया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो एशिया गेम्स हो रहा है ना उसमें एथलीट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए, हल्ला बोल। देखिए एक मूवी या गाना भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। ये वाला जो है ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, जलनी चाहिए। ये अच्छा चीज़ है, ये इस तरह का चीज़ आपको मतलब कि मोटिवेशन करती है। देखिए यहाँ पे कौन ऐसा प्लेयर है जो कि गोल्ड मेडल SL3 SL4 कैटेगरी में पैरा बैडमिंटन में जीते हैं। देखिए ये लोग का जो है ना, जैसे प्रमोद भगत भगत जी हैं और सुमंत कदम जी हैं, सुकंत कदम, आप लोग 83वें ग्रैंड मास्टर का नाम कमेंट में अभी तक नहीं बताया, जल्दी से बताइए। ये लेटेस्ट है, यही पूछेगा हाउ मेनी रुपीज हैज़ यूनियन कैबिनेट फॉर ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी इन विलेज गाँव में, ये आपको वाईफाई वगैरह चले भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1.3 लाख प्रोवाइड किया गया। पीएम वाणी, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखिए कौन सा लीडर लोकसभा के हैं जो कि मेंबर से रिस्टोर कर लिया है लोकसभा से रिटायर्ड हुआ, तो एक केस चला था लेकिन राहुल गांधी मोदी सरनेम केस, ये खत्म हो गया, ये भी मेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप लोग बताइए पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे और जीवी मामला करते क्या, अभी के कौन है, क्या आपको मुंबई लाएंगे क्या। देखिए और राज्यसभा के कौन है ये बता सकते हैं, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जब दिन धनपड़ हो जाएंगे। देखिए विच इंडियन प्लेयर हैज़ वोन द डबल टाइटल इन वीमेन टेनिस हार्ड कोर्ट इवेंट इन स्पेन में हुआ था वीमेन वाला, तो ये प्रार्थना थम्बारे। देखिए एक बार नाम भी सुनोगे ना तो कभी कभी ऑप्शन पूरा क्वेश्चन भी याद नहीं होगा, ऑप्शन से भी क्लिक कर जाता है, तो इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा सा एक दो बार सुनने का प्रयास करेगा। कौन इंडियन है जो कि वर्ल्ड चैंपियंस आर्चरी यंगेस्ट एज में बने हैं, आर्चरी का मतलब तीरंदाजी वगैरह में, तो कौन बने हैं दोस्तों, तो अदिति स्वामी। और यहाँ पे देखिए रेलवे स्टेशन कितना है कंट्री का जिसको कि मॉडर्नाइज किया जाएगा, अमृत भारत स्टेशन का तरह 508 है, और बिहार का कितना है ये 49 है क्या, हम लोग बिहार का जो स्पेशल करा रहे थे ना उसमें हम लोगों ने डिस्कस कराया था ये फटाफट, और 100 वाला जो था और उसमें 100 और जो मंथ वाइज था उसमें, तो ये नहीं देखो तो जाकर देख सकते हैं अगर बिहार से हो तो। देखिए कौन सा इंडिया का नंबर वन चेस प्लेयर, बीपीएससी अगर देना हो तो नंबर वन चेस प्लेयर कौन बन गया है, तो अभी जो है डी गुकेश बने कि कौन बने कमेंट करिए, तो गुकेश डी बने हैं, ये सी आंसर हो जाएगा। देखिए ज्वाइंटली अगर देखा जाए तो स्टडी इन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन इसका नाम है राजमार्ग यात्रा, तो ये हाईवे वगैरह से रिलेटेड है, कौन करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसके चेयरमैन कौन है ये कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या संतोष यादव है क्या, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये NIC होता है, सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है, नीति आयोग को तो आपको भी पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले प्लानिंग कमीशन होता था उसके आधार पर आ गया है, 2015 में आया कि कब आया कमेंट बता सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अभी इसके CEO कौन है, ये सारा चीज़ आपको रिलेट कर करके रिविजन करना है तभी सभी काम होगा। देखिए अभी कितना रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ड्रोन ट्रेनिंग दिया जाए उसके लिए कितना किया गया दोस्तों, तो 63। और कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री नया सवेरा योजना लेकर आया है, नया सवेरा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर अगर आकाश मिसाइल का देखा जाए तो कौन बनाया है, तो ये बनाया है आपको भेल ही होगा, सॉरी BDL है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, तो इसको याद रखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर आकाश मिसाइल के लिए। देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में किसके साथ किया गया है, तो C. मेटा अभी कौन बनाया है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम वाला है, इसने थ्रेड लॉन्च किया है। और आप लोग बताइएगा कि इलोन मस्क का जो ट्विटर है उसका नाम क्या हो गया। देखिए ये कैप्टन कौन है इंडियन T20 टीम का जो कि आयरलैंड पर भी जाया जाएगा ना उसका, अभी लेटेस्ट है तो जसप्रीत बुमराह जी हैं, तो बुमराह। अब देखिए G20 का इम्पावर समिट हुआ है, देखिए ये अगस्त का ही न्यूज है इसलिए हम लोग 100 करा रहे हैं अगस्त में, ये ऑनलाइन में हम लोग कराए थे, ये अभी हुआ है, तो ये कहाँ पे किसके मतलब ये द्वारा किया गया था, ईरानी जी के द्वारा किया गया था गांधीनगर में। देखिए फॉर्मूला वन प्लेयर अगर देखा जाए कार रेसिंग वगैरह जो था, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया है, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन है ये जीत लिया है, कौन सा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। देखिए इसरो ने 7 सेटेलाइट लॉन्च किया है PSLV C56 और C57 से आदित्य बन गया है, तो S7 SA सिंगापुर। यहाँ पे कौन से इंडियन जो है गोल्ड मेडल जीते हैं आपको 10 मीटर एयर राइफल मतलब गोली
नागरी में, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। तो ये ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, तोमर जी हैं, अपना अच्छा से मतलब कि ये कर दिए हैं। आप लोग बताइए यूनिवर्सिटी में गेम कहाँ हो रहा है, बार बार बता दिया हम लोगों ने। और देखिए थिंक 20 समिट जो G20 वाला है, वो चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया में कहाँ किया गया, तो मैसूर में किया गया, L20 वाला पटना, ये याद रखिएगा बिहार वाले। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटी स्पोर्ट फोरम, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये बंगलुरु में किया है, 3D प्रिंटेड ऑफिस, और ये अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम, और ये चेन्नई। अब देखिए एक ये कार्बन न्यूट्रल आपको गांव बना है, विलेज क्या भिंडवा है महाराष्ट्र है तो आपको बताइएगा, और कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पर बना है, क्या ये अलवा केरला में है क्या, और कार्बन न्यूट्रल पंचायत क्या पल्ली जम्मू कश्मीर, कमेंट में जल्दी से कंफर्म करिए। बहुत ही अच्छा, इतना देखिए आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं किस तरह का वीडियो डाल जाता है, हम लोग इतना सारा इंटर रिलेट करके बताएं। टाइगर का पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो एनुअल ग्रोथ कितना अब हो गया, तो देखा जाए तो 6.1% और 3167 हो गया, पहले 2967 था। NTCA के द्वारा सब किया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है टाइगर। इंडियन अमेरिकन देखा जाए तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे बन रहा है, ये भी बताइए, यूपी में बन रहा है क्या, रानीपुर है क्या। डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, डिप्टी CEO US फाइनेंस एजेंसी के कौन बनी है, तो ये उत्तम सिंह, सॉरी ये आपको 82 है ना, तो ये निशा बिस्वाल, ऊपर भी हम लोग देखे थे यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कितना मेडल इंडिया ने जीता है श्रीलंका एथलेट नेशनल चैंपियनशिप में, तो 14, तो दो वीक्स की याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे किसको अपॉइंट किया गया है, जूनियर इंडियन हॉकी टीम, हॉकी टूर्नामेंट जो जर्मनी में हो रहा है उसके लिए यहाँ पे कैप्टन चुना गया है, तो किसको चुना गया है, ये आपको उत्तम सिंह को, तो बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, इसे याद रखिएगा, हॉकी के जर्मनी वाले में, और उसमें जहाँ अभी जसप्रीत बुमराह जी आयरलैंड वाले में। कौन सा अफ्रीकन कंट्री है, दो बार सुनिएगा तो सब याद रहेगा, आर्मी जो है रिमूव मतलब हटा दिया गया, प्रेसिडेंट को ऑफिस से वहाँ पे, तो ये जो है आपको कहाँ पे किया गया, नाइजर में, ये तख्ता पलट हो गया था, और म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था। आप लोग बताइएगा अभी ये FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, आपको ब्लैक लिस्ट में किसको डाला गया, क्या म्यांमार है, और ये ग्रे लिस्ट जो था उसको पाकिस्तान को हटाया गया क्या, कमेंट बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे हेली समिट 2023 का और RCS उड़ान 5.2 उड़े देश का नागरिक इसका प्रभाव होता है किसके द्वारा किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में ये लाया गया है, आप लोग सीखो कमा योजना यहाँ पे देखे थे। अरुणाचल प्रदेश में क्या कोई किबुतो गांव है जहाँ से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम BRO द्वारा चालू किया गया है, और माना गाँव कहाँ पे कमेंट बताइए, हिम पोर्टल हिम ये सब मैंने बता ही दिया, हिम तेंदुआ वगैरह मिलता है। उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी गेम, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट बॉलर, इसी तरह से चारों ऑप्शन को आप लोग खंगालिएगा ना तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फर्स्ट बॉलर कौन है जो कि 7 विकेट लिए हैं, 7 विकेट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के हिस्ट्री में, ठीक है, तो एक ही मैच में लिए होंगे, तो ये कौन है, तो 87 का ये जो है देखिए सैजुल याद इद्रस, नाम भी अजीब है तो याद करने का प्रयास करिएगा, अंडरलाइन वगैरह करिएगा, लिख लिख के याद करिएगा या सुन सुनकर जिस तरह से भी आपको टेक्निक अच्छा लगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सेकेंड इंडियन बॉलर कौन बने हैं मस्ट विकेट लेने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले सेकेंड बने हैं, तो ये बने हैं आपको RAshwin, रविचंद्र अश्विन। PM मोदी जी ने आपको फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट गुजरात में कहाँ पे किया है, तो हीरासर में। देखिए अगर आप बिहार से हो तो बताइए बिहार का चौथा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, पूर्णिया में बन रहा है क्या, और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट हवाई अड्डा कौन बन गया है इंडिया का, क्या इंदिरा गांधी ये हवाई अड्डा है, और वर्ल्ड में क्या अटलांटा USA का, कमेंट बताइए। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का देखिए बहुत ही न्यूज में चल रहा है, ये सेटअप किया गया है, कितना मतलब कि पोर्ट बनाया जाएगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, तो ये देखिए आपको 21 रुपये का दक्षिणा इस तरह से याद रखेगा, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब इंडिया का कौन इंडियन है जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें, वर्ल्ड यूथ डीप बैडमिंटन, देखिए डीप मतलब 12 बड़ा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन जीते हैं, तो ये जीते हैं आपको गोरांसी याद रखेगा। कौन कंट्री है जिसने कि सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को बैन कर दिया, मतलब कि जो होमोसेक्सुअल ये सब टाइप का था ट्रांसजेंडर वगैरह को, तो ये रशिया किया है, ये सही चीज़ नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। रशिया यूक्रेन वार आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ये आपको क्रिमिनल कोर्ट ने ये पुतिन जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, इसलिए जो ब्रिक्स समिट हुआ था इसमें पुतिन जी आए भी नहीं थे, लेकिन इंडिया तो उसका ICC का पार्ट भी नहीं था, फिर भी पुतिन जी नहीं आए, इसका आप लोग क्या बताइएगा, मेंस वाले टॉपिक में डिस्कस किया, अगर सुनना होगा तो देख सकते हैं, और आप लोग बिहार पर तो सुन ही सकते हैं आप लोग अगर बिहार से हो तो। अब देखिए यहाँ पे कौन ऐसा आपको इंडियन प्लेयर है जो कि मेंस डबल्स गोल्ड मेडल जीता है, तो ये देखिए ये दोनों का जुड़ी बहुत फेमस है, सात्विक साईराज और प्रफुल्ल पारुपल्ली कश्यप ये है, और देखिए फर्स्ट वीमेन चीफ US नेवी के कौन बनी है, तो ये लिसा फ्रेंचेटी, ये उस देश का है उतना इंपॉर्टेंट है, अगर इंडियन ओरिजिन के होंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन बने हैं, ठीक है, नवीन पटनायक उड़ीसा वाले, और पहले कौन है ये आप लोग बताइएगा, नॉर्थ ईस्ट के कोई हैं क्या,
थर्ड G20 का डिजास्टर रिलेशन का वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ था, तो ये कहाँ पे किया गया था ये आप लोग तो बताइए। तो ये चेन्नई में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 97 में 83वें जो मैं बार बार पूछ रहा था वहीं आ गया आपका आदित्य सामंत। सामंत जी हाँ, देखिए अगर रिसेंट इस अनाउंसमेंट देखा जाए तो इस कौन सा स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी है जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम यू गिव इन भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी G20 भारत मटफॉर्म हुआ है ये सब। और देखिए कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया है, CRPF के द्वारा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो 27 जुलाई को मनाया गया था, ये फिफ्थ हुआ मनाया गया है। आप लोग बताइए 80 रैंक क्या क्या हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग का। कारगिल विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 26 जुलाई को। आप लोग बताइए कि जनसंख्या दिवस को मनाते हैं और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाते हैं, आपको लेटेस्ट अभी स्पेस डे मनाया जा रहा है वो सब बताइएगा। मेरी माटी मेरा देश कंपेन चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऊपर का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया तो ये भी क्वेश्चन बन गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगस्त मंथ का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर देखना चाहते हो आप ये 812 पूरा क्वेश्चन, तो कमेंट लिंक मिल जाएगा या आप हमारे चैनल स्प्लिंटर सिविलियन पर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बोलते बोलते गला भी बैठ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।